गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। ईरान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र को लग रहा था कि इजरायली सेना जमीन पर जंग करने से डर रही है, लेकिन गाजा युद्ध के ठीक 20 दिन बाद इजरायली सेना ने ऐसा सर्वनाश गाजा में मचाया है कि अब तक गाजा में हमास के 25 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि लेबनन बॉर्डर पर हिजबुल्ला के 48 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजरायल ने गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में जमीन, आकाश और समंदर के रास्ते हमास लड़ाकों को रौंदना शुरू कर दिया है। हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में दूसरे चरण का युद्ध शुरू हो चुका है और अब इजरायल की IDF ऑपरेशन ऑल आउट से पूरे गाजा में मौजूद हमास लड़ाकों को जमीन में जिंदा ही दफन करने लगी। जिंदा दफन कर दिए गए हमास कमांडर। 7 अक्टूबर के बाद से हमास लड़ाकों को इजरायली सेना ने एक भी मौका नहीं दिया है कि वो इजरायली सेना और नागरिकों को तबाह और बर्बाद कर पाए। 3 हफ्ते से ज्यादा की जंग में 9500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1405 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायली सेना के 321 जवान मारे जा चुके हैं। वहीं हमास लड़ाकों और फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 8000 से ज्यादा हो चुका है। ये मौतें तो सिर्फ ट्रेलर है, असली सर्वनाश 18 घंटे पहले शुरू हो चुका है। इजरायल की IDF ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जो विनाश लीला गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके में शुरू की है, वो वाकई में रूह को कपा देने के लिए काफी है। देखिए इजरायली सेना कैसे गाजा में बड़ी इमारतों के नीचे मौजूद हमास की सुरंगों में मौजूद लड़ाकों को जिंदा ही दफन कर रही है। गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। इजरायल की एयरफोर्स ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक में 30,000 के करीब बड़ी इमारतों को कारपेट बॉम्बिंग के जरिए मिट्टी में मिला दिया है। IDF के दावों के मुताबिक इमारतों के नीचे मौजूद हमास की सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके जिंदा ही दफन होने लगे हैं। जैसे इजरायल के F-16 और F-35 फाइटर जेट बम और मिसाइलों से इमारतें उड़ाई जा रही हैं, वैसे ही इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगों पर बिल्डिंग का मलबा कब्र बनकर गिर रहा है। हमास के सामने दिक्कत यह है कि अगर वो सुरंग से बाहर आते हैं तो इजरायली सेना पिन पॉइंट से सीधे बम उस पर दाग देगी, और अगर वो सुरंग में रहते हैं तो तबाह इमारतों के नीचे मौजूद सुरंगें मलबे में दब रही हैं। IDF के मुताबिक अब सुरंगों में मौजूद कम से कम हमास के 25 टॉप कमांडर और उनके पूरे परिवार मारे जा चुके हैं, जबकि 500 के करीब हमास लड़ाके जिंदा ही सुरंगों में दफन हो चुके हैं, जो अब कभी भी सुरंगों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। המלחמה על פי תוכנית. אנחנו מרחיבים בהדרגה את הפעילות הקרקעית ואת היקף הכוחות שלנו ברצועת עזה. הפעילות מהקרקע מורכבת וכוללת סיכונים גם לכוחותינו. נעשה כל שביכולתנו מהאוויר, מהים ומהיבשה על מנת להבטיח את ביטחון כוחותינו ולהשיג את מטרות המלחמה. F-16, F-35 נה, שיר דאלה גאזה. 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में पिछले 18 घंटे से इजरायली वायुसेना ने 150 लड़ाकू विमानों से अंधाधुंध बम और मिसाइलें बरसाई हैं। 26 से 28 अक्टूबर के बीच आसमान से फाइटर जेट और जमीन से इजरायली टैंक और तोपखाना हमास सुरंगों पर सीधा हमले कर रहे हैं। खबर आ रही है कि IDF ने जुहोर अद दिक में टैंकों से भीषण हमला किया है। इसके अलावा गाजा सिटी, अल जदीदा, रीमान, शाती रिफ्यूजी कैंप, जबालिया पर टैंकों, तो बख्तरपन रॉकेट से इजरायल ने कम से कम 800 हमले किए हैं। इजरायल के F-16 और F-35 फाइटर जेट ने गाजा को लगभग चीर डाला है। तबाह इमारतें और मलबे से लाशें निकालते फिलिस्तीनी लोगों को इजरायल के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है।
نتمنى من الله يعني ربنا يحن علينا وتوقف هالحرب. بهدلنا يعني بهدلنا كتير. مش احنا مش حمل اللي بصير فينا. جد احنا مش حمل. يعني اللي بصير اكتر من طاقتنا اكبر من طاقتنا. اجبال بتتحملوش. اجبال بتتحملش اللي احنا عايشينه. يعني اقول لك احنا وصلنا لمرحلة نقول يا ريت نضلينا غاد وقعت الضر علينا وموتنا وارتحنا. دوسرا چرن شروع. غزة میں 10 گنا خون خرابہ. इसराइल में जंग के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है. इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमले कर रही है. प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ये इजरायल की आजादी की दूसरी लड़ाई है. इजरायलियों को लंबे और कठिन अभियान के लिए तैयार रहना होगा. नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जंग में हमारा मकसद एकदम साफ है. हम हमास को खत्म करके बंधकों को वापस घर लाएंगे. हमास हमले से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है. हमें मानवता और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हमास को जड़ से मिटाना होगा. यही वजह है कि गाजा में इस वक्त 10 गुना मौतें होना शुरू हो चुकी हैं. गाजा की तबाही देखकर 22 मुल्कों से बनी अरब लीग ने इजरायल को बहुत बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है. वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस्तांबुल में एक प्रो फिलिस्तीन रैली के दौरान कहा था कि वो इजरायल को वॉर क्रिमिनल घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं. एर्दोगन ने साफ कहा है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए हम दुनिया के सामने इजरायल को युद्ध अपराधी घोषित करेंगे. IDF ने दावा किया है कि हमास आतंकियों की लोकेशन ट्रेस करके उनके ठिकानों को दबा कर रहे हैं. उधर पश्चिम मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने नॉर्दर्न गाजा को जंग का मैदान घोषित कर दिया है और लोगों से गाजा छोड़ने को कहा है. इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में हवा से पर्चे फेंके हैं. पर्चों में लिखा है कि उत्तरी गाजा से तुरंत निकल जाओ क्योंकि अब पूरे उत्तरी गाजा में कॉर्पेट बॉम्बिंग शुरू हो चुकी है. يحاولون تطهير عرق للشعب الفلسطيني الذي يملك العزة والكرامة. نحن في هذا المعسكر يعني كلنا عائلة واحدة يعني جماعة طيبين يعني يصحوا على صلاة الفجر لم يصحوا على الأذان بل صحى على صوت الصاروخ ينزل على منزله. دوسرا چرن شروع. غزة میں 10 گنا خون خرابہ. इसराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी ने 4 मिनट के एक वीडियो में दावा किया है और कहा है कि इसराइल सेना युद्ध के अगले स्टेज में आगे बढ़ रही है. IDF के चीफ हलेवी ने दावा किया है कि इसराइल के सबसे अच्छे सैनिक और कमांडर गाजा में ग्राउंड पर हैं और पिछले कुछ दिनों से इसराइली सेना ने हमास के कमांडरों को निशाना बनाना और उन्हें खत्म करना जारी रखा है. खबरों के मुताबिक IDF के 150 फाइटर जेट्स ने 72 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा हमले गाजा पट्टी में किए हैं. 27 अक्टूबर की रात हुई भयंकर बमबारी में गाजा में 150 से ज्यादा अंडरग्राउंड सुरंगें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, जिसमें दर्जनों हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं. गाजा पट्टी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू. गाजा इंतजार कर रहा है. गाजा अपनी मौत का तमाशा देख रहा है. इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में सब कुछ बड़ी तेजी से तबाह हो रहा है. इजरायली सेना गाजा पट्टी में उत्तर से लेकर दक्षिण तक वेस्ट बैंक और लेबनन बॉर्डर पर हर दिन 500 से ज्यादा हमले कर रही है. इजरायल की IDF हमास के ठिकानों कमांड सेंटर सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बना रहा है. खबर के दावों के मुताबिक 1700 से ज्यादा लोग इमारतों के नीचे दफन है. इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली नेवी ने खान यूनुस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया. इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि वो रात में टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसे थे और आराम से हमास लड़ाकों को मारकर भाग गए. IDF ने हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजिशन को निशाना बनाया है. F-16, F-35 ने चीर डाला गाजा.
लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाजा से दक्षिण इसराइल में फिर से भारी संख्या में रॉकेट हमास ने दागे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी अश्कलोन शहर में कुछ रॉकेट गिरे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में हमास के रॉकेट गिरे हैं, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। कुछ जानकारों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है। कतर में भी अब इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है, जबकि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की और दबी जुबान से मिस्र भी इजरायली हमलों को लेकर सख्त तेवर दिखाने लगा है। लेकिन इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए फिर कहा है कि इसराइल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद ही जंग रोकेगा। המלחמה בתוככי הרצועה תהיה קשה וארוכה, ואנחנו ערוכים לכך. זאת מלחמת העצמאות השנייה שלנו. נילחם על הגנת המולדת. נילחם ולא ניסוג. נילחם ביבשה, בים ובאוויר. נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. יהיה זה ניצחון של הטוב על הרע, של האור על החושך, של החיים על המוות. गाजा पट्टी में इसराइल का ऑपरेशन ऑल आउट हमास के लिए सर्वनाश साबित हो रहा है। दिक्कत यह है कि मुस्लिम मुल्क चाहकर भी हमास के हथियारों से मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ईरान दांत पीसने को मजबूर हो रहा है, लेकिन इसराइल पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर इसराइल पर हमला किया तो अमेरिका ईरान को तबाह करके रख देगा। अब देखना होगा कि अगले 24 घंटे में इसराइल का दूसरा चरण हमास को गाजा पट्टी में कहां-कहां दफन करता है।